Hello everyone, my name is Manyavasti, Assistant Professor of CS Department in uh, Rama University. My today's topic is computer network security and types of security attack. So, let's start with computer network security. कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क मींस व्हेन मोर देन टू और मोर डिवाइसेस टू और मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर दैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क जब आपकी दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइज एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क जब इसी कंप्यूटर नेटवर्क में हम कुछ सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं अपने डेटा को अपनी फाइल्स को अपने चैट्स को सिक्योर करने के लिए हम कोई एल्गोरिदम्स वगैरह लगाते हैं तो वो हमारा आता है कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर जब हम अपने डेटा को अपनी फाइल्स को किसी अनऑथराइज्ड पर्सन से बचाने के लिए Uh, कोई एल्गोरिदम कोई सिक्योरिटी सर्विस वगैरह लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर हमारा एक मॉडल है दैट इज़ सी आई ए मॉडल जो हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी है वो अचीव uh, होती है हमारी सी आई ए मॉडल से सी स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी

इंश्योरिंग दैट द इन्फॉर्मेशन इज़ सेंड टू द ऑथराइज यूज़र कॉन्फिडेंशलिटी सिंपल मीन्स कि जब हम अपनी मैसेज की uh, को कॉन्फिडेंशियल बनाना चाहते हैं तो वो होता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर आता है इंटीग्रिटी मीन इंश्योरिंग दैट दिन मैसेज इज़ नॉट अल्टर्ड बाई द अनऑथोराइज यूज़र जब हम ये इंश्योर करें कि हमारा मैसेज कोई और uh, किसी थर्ड पार्टी किसी अटैकर किसी हैकर ने हैक करके उस में कोई चेंजेस नहीं कर दिए हैं तो वो हमारा आता है इंटीग्रिटी के अंदर अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि हम ये क्लेम करें कि जिस रिसीवर को जिसको हम अपने जिस फ्रेंड को मैसेज भेज रहे हैं क्या उसी फ्रेंड के पास हमारा मैसेज गया हुआ है तो वो हमारा आता है अवेलेबिलिटी के अंदर ओके okay? तो दिस इज द आई ए मॉडल जिसमें कि हमारा पूरा कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी जिससे अचीव होती है हमारे नेटवर्क की सिक्योरिटी अचीव होती है अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अटैक सिक्योरिटी अटैक सिक्योरिटी अटैक सिक्योरिटी अटैक का मतलब ये होता है कि जब सेंडर और रिसीवर जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो उसमें किस किस तरीके के अटैक हो सकते हैं अब वो आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी अटैक में तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी अटैक द फर्स्ट वन इज़ Active attack and the second one is passive attack. The first type of security attack is active attack. Active attack uh, means, uh, as the name suggests. वो अटैक जो परमानेंटली एक्टिव रहते हैं मींस जब हम एक दूसरे से कोई फाइल शेयर कर रहे हैं कोई डेटा शेयर कर रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं उस पर तो हमारे मैसेज पर हमारे नेटवर्क पर कोई सिक्योरिटी अटैक हुआ और उसने हमारे मैसेज को अल्टर कर दिया तो एक्टिव अटैक हमारा क्या करता है हमारे मैसेज को अल्टर करके सेंडर ने जो मैसेज भेजा जो फ़ाइल भेजी उसको अल्टर करके उसको चेंज करके रिसीवर तक पहुंचाता है तो वो होता है हमारा एक्टिव अटैक पैसिव अटैक हमारा क्या होता है पैसिव अटैक हमारा ईव्स ड्रॉपर की तरह काम करता है ईव्स ड्रॉपर एव स्ट्रापर वो होते हैं एव स्ट्रॉपर का मतलब होता है जब कोई बिना हमारी परमिशन के हमारी बातों को सुने हमारे डेटा को देखे तो उसको हम कहते हैं एव स्ट्रापर तो पैसे अटैक हमारा एव स्ट्रापर की तरह काम करते हैं कि वो हमारे डेटा को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाते हैं लेकिन बिना हमारी परमिशन के वो डेटा को वो देखते हैं बिना हमारी परमिशन के लेकिन उसमें कोई भी अल्टरेशन कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं तो वो होते हैं हमारे पैसे अटैक एक्टिव अटैक के भी फाइव टाइप्स होते हैं पहला होता है हमारा रेड। सेकेंड होता है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज थर्ड होता है हमारा रेप्यूडिएशन फोर्थ होता है हमारा रिप्ले एंड द लास्ट वन इज डेनियल डेनाइल ऑफ या फिर डेनियल ऑफ सर्विस तो एक्टिव अटैक जो है हमारा उसके भी फाइव टाइप्स होते हैं द फर्स्ट वन इज़ मास्क्यूरेट एंड द देंकेंड वन इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज एंड द थर्ड वन इज़ रेपोडिएशन फोर्थ रिप्ले एंड फिफ्थ इज़ रेपुडिएशन तो हम पहले एक्टिव अटैक की बात करते हैं जो कि है मास्क्यू रेड मास्क्यू रेड में क्या होता है कि ये एक्टिव अटैक का पार्ट है इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो वो मैसेज में चेंजेस वगैरह करेगा ही एक पर्सन है ए वो बी से चैट कर रहा है मतलब सेंडर ए है रिसीवर हमारा बी है ठीक उसमें किसी सी नाम का एक थर्ड पार्टी है थर्ड पार्टी मीन्स ऑथराइज एक्सेस ठीक उसने बी पे किया ओके जब मास्क्यूरेट वो होता है व्हेन अनऑथराइज एक्सेस प्रिटेंस टू बी दी ऑथराइज एक्सेस मतलब जब थर्ड पार्टी सी हमारा ए बन के बी से बात करने लगे तो वो आता है हमारा मास्क्यूरेट के अंदर मतलब ए ने फॉर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि ए ने अपनी फेसबुक आईडी आ, अपने फ़ोन पे लॉगिन कर रखी थी और बी से वो फ़ेसबुक पे बात कर रहा था और सी ने किसी तरीके से ए की फेसबुक आईडी का पासवर्ड और आईडी आ, उसकी किसी तरीके से ले ली और वो ए बन के बी से बात कर रहा है तो वो हमारा अटैक आएगा मास्क्यूरेट के अंदर सेकेंड है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज सेकेंड है हमारा एक्टिव अटैक का पार्ट मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज मास्क्यू uh, रेट में क्या था कि वो सेंडर थर्ड पार्टी सेंडर बन के बी से बात कर रहा था लेकिन जैसा कि सेकेंड टाइप का नाम है मॉडिफ़िकेशन ऑफ़ मैसेज जो हमारा थर्ड पार्टी होगा वो रिसीवर जो ए ने बी को मैसेज सेंड किया है उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफ़ाई कर देगा अगर वो मैसेज में या फाइल्स में कुछ चेंजेस करके रिसीवर को भेज रहा है ए के बिहाफ पे तो वो होता है हमारा मॉडिफ़िकेशन ऑफ़ मैसेजेस थर्ड है हमारा रेपूडिएशन एंड द थर्ड वन इज रेपुडिएशन रेपिडिएशन का मतलब होता है कि जब रेपुडिएशन पहली बात तो सेंडर और रिसीवर दोनों साइड से काम करता है रेपुडिएशन का मतलब होता है कि सेंडर ने रिसीवर को कोई मैसेज भेजा और वो ये डिनाई कर दे कि मैंने ये मैसेज रिसीवर को नहीं भेजा है तो वो आता है अटैक रेपुटेशन के अंदर इसके इसका एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं बैंक में कि कस्टमर ने बैंक में एक रिक्वेस्ट भेजी कि उसको अपने आ, बैंक अकाउंट से कुछ नंबर ऑफ़ अमाउंट अमाउंट डेबिट करवाना है लेकिन बाद में वो डिनाई कर जाए कि मैंने ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी लेकिन बैंक के पास ये प्रूफ है कि कस्टमर ने ऐसी रिक्वेस्ट भेजी है तो रेपुटेशन हमारा क्या हुआ कि सेंडर या रिसीवर ये मना कर दे कि मैंने ये रिक्वेस्ट नहीं भेजी है या रिसीवर कह दे कि मेरे पास ऐसी कोई भी मैसेज या रिक्वेस्ट नहीं आई है तो वो होता है हमारा फोर्थ होता है आपका रिप्ले में क्या होता है आपका जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं उस टाइम पे जब आपका थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी क्या करे बार बार रिसीवर के मैसेज को जो सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा है तो वो उस मैसेज को एक्सेस करके बार बार रिसीवर के पास वही मैसेज को भेजे मतलब रिसेंट द सेम मैसेज दी मैसेज जो रिसीवर ने मैसेज जो सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा है उसको थर्ड पार्टी एक्सेस करके बार बार रिसीवर को वही मैसेज भेजे तो उसको हम कहते हैं रिप्ले रिप्ले मतलब बार बार मैसेजेस को सेंड करना अनऑथराइज एक्सेस के अनऑथराइज पार्टी जब रिसीवर को बार बार वही मैसेज एक्सेस करवाती है तो उसको हम कहते हैं रिप्ले एंड द लास्ट टाइप ऑफ एक्टिव अटैक इज़ डायल ऑफ़ सर्विस डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब होता है जब सेंडर रिसीवर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और थर्ड पार्टी फॉल्स रिक्वेस्ट भेज के फॉल्स रिक्वेस्ट नेटवर्क पे फालस रिक्वेस्ट भेज भेज के पूरा पूरा नेटवर्क ही ठप कर दे तो उसको हम बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस डिनाइल ऑफ सर्विस का बेसिक पर्पस ये होता है कि वो पूरे पूरे नेटवर्क को डम करना चाहता है पूरा पूरा नेटवर्क ही ख़त्म कर देना चाहता है वो बेसिकली किसी एक सेंडर या रिसीवर को कोई uh, नुकसान कोई हार नहीं पहुँचाना चाहता वो पूरे पूरे नेटवर्क को पूरे पूरे हब को uh, मतलब बंद कर देना चाहता है तो वो होता है हमारा डिनाइल ऑफ सर्विस डिनाइल ऑफ सर्विस में थर्ड पार्टी ऑन अनऑथोराइज एक्सेस नेटवर्क पे बार बार फास्ट रिक्वेस्ट भेज के हमारे पूरे पूरे नेटवर्क uh, को जब अन अवेलेबल कर देना चाहे तो वो होता है हमारा डिनाइल ऑफ सर्विस अब लेट्स कम टू वर्ड्स दैसे अटैक जैसा कि पहले बताया है पैसिव अटैक वो अटैक होते हैं जिन्हें किसी के भी मैसेज को मॉडिफाई या अल्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है वो सामने वाले के फाइल को बिना उसकी परमिशन के सिर्फ देखना चाहते हैं या फिर ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो पैसिव अटैक के भी हमारे टू टाइप्स होते हैं पहला होता है द फर्स्ट वन इज़ रिलीज़ ऑफ मैसेज कंटेंट रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट ठीक रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट में हमारा पैसे वटैक में क्या होता है कि जब सेंडर और रिसीवर इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और थर्ड पार्टी ने क्या किया सिर्फ उसके मैसेज को वो सीन कर रहा है कि सेंडर ने रिसीवर को कोई फाइल भेजी कोई डॉक्यूमेंट फ़ाइल थी फॉर एग्जांपल एक सीएस का स्टूडेंट है वो अपनी ही क्लासमेट को किसी क्लासमेट को एक ग्राफिक्स की कोई फ़ाइल भेज रहा है तो थर्ड पार्टी क्या करेगा बिना उसकी परमिशन के वो जो ग्राफिक की फ़ाइल भेजी उसको सिर्फ देखेगा लेकिन तो उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेगा तो उसको हम कहते हैं रिलीज़ ऑफ मैसेज कंटेंट एंड द टाइप ऑफ पैसिव अटैक ट्रैफिक एनालिसिस ट्रैफिक एनालिसिस में क्या होता है कि जब सेंडर रिसीवर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं उसमें थर्ड पार्टी जो थर्ड पार्टी होती है वो पैटर्न ऑब्जर्व करती है ऑब्जर्व पैटर्न। पैटर्न ऑब्जर्व करती पैटर्न ऑब्जर्व करने का मतलब कि सेंडर और रिसीवर ने किस मोड का यूज़ किया है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा मोड यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी इसमें भी कोई भी वो अल्टरेशन और चेंजेस नहीं करते हैं सिर्फ मोड जानने की कोशिश करते हैं पैटर्न जानने की कोशिश करते हैं कि किस पैटर्न का सेंडर ने यूज़ किया रिसीवर से कम्युनिकेट करने के लिए तो दिस इज़ दी टाइप्स ऑफ पैसिव अटैक नाउ समराइज़ दी टूडेज़ टॉपिक आज का आपका जो टॉपिक था वो था कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या होता है वन वी कम्युनिकेट विद ईच अदर जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं उस समय जो बात करते टाइम पर जो हम अपनी फाइल शेयर कर रहे हैं जो डेटा शेयर कर रहे हैं उस टाइम पे हम क्या सिक्योरिटीज़ लगा रहे हैं तो वो सिक्योरिटीज़ लगाना ही हम सीखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी में बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी अटैक्स सिक्योरिटी अटैक्स आपके क्या होते हैं सिक्योरिटी अटैक आपके वो अटैक होते हैं जो आपकी बिना परमिशन के आपके डेटा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो वो कितने तरीक़ों से आपके डेटा को या सेंडर को या रिसीवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो दो तरीके हैं आपके पहला है आपका एक्टिव अटैक दूसरा है पैसिव अटैक एक्टिव अटैक एक्टिव अटैक में अटैकर या हैकर ये करता है कि आपके डेटा को मॉडिफाई करना चाहता है आपके डेटा को चेंज करना चाहता है एक्टिव अटैक आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू फाइव पार्ट द फर्स्ट वन इज मास्क्यूरेट मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज रेप्यूडिएशन, रिप्ले एंड द लास्ट वन इज डिनाइल ऑफ सर्विस पैसिव अटैक पैसिव अटैक आपका क्या करता है कि पैसिव अटैक को आपके डेटा में कोई भी मॉडिफिकेशन या अल्ट्रेशन करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है वो सिर्फ आपके डेटा को ऑब्जर्व करेगा आपके इस पैटर्न का यूज़ करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं सिर्फ यही चेक करता है बाकी उसको आपके डेटा में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है पैसिव अटैक आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स द रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट एंड द लास्ट वन इज़ ट्रैफिक एनालिसिस थैंक यू फॉर टूटिंग